नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। उद्धव ठाकरे की रुखसती के बाद राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की एंट्री ने राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। अमित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टूडेंट विंग यानी MNS विद्यार्थी सेना की कमान संभाल रहे हैं। वे MNS विद्यार्थी सेना के प्रमुख के रूप में सियासत में काफी ज्यादा एक्टिव है और इस चीज से लोग काफी ज्यादा उनसे खुश भी होते नजर आते हैं। बताते चले कि एक दशक पहले पहली बार वो BMC चुनावों के दौरान मनसे के रोड शो में शामिल हुए थे, जो राजनीति में उनकी पहली अपीयरेंस थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए राजनीति से दूरी बना ली। इसके बाद जुलाई 2014 में मनसे विद्यार्थी सेना की पहली रैली में एक बार फिर वो नजर आए। हालांकि इस बार भी रैली करने के लिए वो राजनीति से दूर हो गए। अमित ने अब ऐसे समय में फिर से राजनीति में कदम रखा जब राज ठाकरे एक बड़ी सर्जरी से उभर रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना लड़खड़ा रही है और आदित्य ठाकरे ने पिता के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। शिवसेना में जारी घमासान का फायदा उठाने के लिए मनसे ने महासंपर्क अभियान शुरू किया है और अमित ठाकरे की एंट्री को भी मात्र एक संयोग नहीं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में अल्पमत में आए शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे ने लोकसभा के लिए शिवसेना का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी कि भावना गवली की जगह राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया जाए। विधायकों के बाद अब बड़ी संख्या में सांसदों के भी पार्टी नेतृत्व में बगावत के कयास लग रहे। इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे ने यह कदम उठाया है। अब कहीं ना कहीं यही सोचा जा रहा है कि अगर राज ठाकरे के बेटे आते हैं अमित ठाकरे राजनीति में तो ये बहुत बड़ा हमला हो सकता है कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के लिए। अब देखना लाजमी होगा कि क्या होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि महाराष्ट्र की जो गर्माती सियासत है वो बिल्कुल भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।